सिंपल आलू फ्राई बनाने के लिए 4 से 5 आलू का छिलका निकाल के मैंने इसे काट के रेडी किया। कड़ी पत्ता अभी 2 मिनट के बाद हम हाई फ्लेम पे स्लो करेंगे और इसे थोड़ा भुनेंगे भूनकर। इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और हम डालेंगे और हम डालेंगे धनिया पाउडर जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है 2 चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला। अभी हम इसे मिक्स करेंगे। अभी हमने मिला दिया है इसे गरम मसालों को और हम अब इसे ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे गन बंद करके। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। फिर हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे और इसे अभी मिक्स कर दे इसे। अब हम फिर से कुकर पर ढक्कन रखेंगे। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे दोबारा। अब हम फिर से मिक्स कर दे ऐसे और इसे हम अभी चेक कर सकते हैं पक्का हुआ है या नहीं। अभी हमारा आलू पक चुका है। अगर आलू नहीं हुआ तो हम इसे फिर से ढक सकते हैं और 4 से 5 मिनट तक होने देना चाहिए। अभी तो हमारा आलू हो चुका है। अभी हमारा आलू फ्राई रेडी हो चुका है और इस पे हम धनिया डालेंगे।